नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। आजमगढ़ में किराया न मिलने पर मकान मालिक के लड़के द्वारा पति और पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान पति की मौत हो गई। क्या है पूरा प्रकरण, देखिए रामसकल यादव की इस रिपोर्ट में। आजमगढ़ जिले में किरायेदार द्वारा किराया नहीं दिए जाने से नाराज मकान मालिक के बेटे ने तड़के किरायेदार दंपति की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसे गंभीर रूप से घायल पति की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बताते चले कि शहर कोतवाली के एटलस टैंक पर स्थित राकेश राय के मकान में अहिराला थाना क्षेत्र के संजीव सिंह किराए पर मकान लेकर रहते थे। उनकी नगर में मोटर पार्ट की दुकान भी है। लॉकडाउन के कारण दुकान बंद होने से संजीव के सामने घर चलाना मुश्किल हो गया था। इस कारण उन्होंने मकान मालिक को किराया नहीं दे सके। इसी को लेकर रविवार की रात मकान मालिक और संजीव में कहासुनी हुई थी, लेकिन मामला शांत हो गया। परिजनों का आरोप है कि सोमवार के तड़के किराए को लेकर विवाद को लेकर संजीव सिंह उनकी पत्नी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दोनों का उपचार निजी चिकित्सालय में चल रहा है, जहां संजीव की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना में पुलिस ने एक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कैसे गोली लगी आपको? कल रात को 12:30 बजे, हम दरअसल लॉन्ग रात में लॉकडाउन में कमरा खाली कराने के लिए कह रहे थे। हम 2-3 महीना से खाली, आगे लॉकडाउन बढ़ता गया, खाली नहीं कर पाए। हमको आप पर जाके बताया, हमको जो अपना हिसाब किताब बता दीजिए, आप गाड़ी चल सकती है, उनको छोड़ दें। आए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया एक आध महीना के छोड़ दीजिए, हम लोग रहे हैं नहीं वहाँ। तो कहे ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी मैसेज, उनका लड़का कमरे पर चढ़ के आके बहुत उल्टा सीधा बोले, बहुत जलील किए। इसके बाद फिर बहुत हम भी कुछ ना कुछ बोले, फिर वो चले गए। आपको गोली कौन मारा? गोली नीशु राय, नाम कुछ और है, नीशु राय कहते हैं, राकेश राय हैं उनके लड़के हैं। ज्योति स्कूल के पास हमारा कमरा है, उन्हें मकान में किराए पर रहते हैं। भैया मैं गांव पे रहता था, हमको पता नहीं था, लेकिन वही फ़ोन किए आज भोर में 4 बजे, तो ही बोले कि मकान मालिक गोली मार दिया और चले आओ। अच्छा, क्यों मकान मालिक गोली मार दिया, कुछ आपको जानकारी है इस मामले? इसके विषय में तुमको कुछ नहीं जानकारी है? कमरा खाली करने की बात थी कल, वही बात है, इतने जानकारी है, अब इसके विषय में नहीं बता पाएंगे। मोटर पार्ट की दुकान है। अच्छा, तो किराया क्यों नहीं दे पा रहे थे वो? 3 महीने दुकान बंद थी उनकी। क्यों? लॉकडाउन से। इसी को जब पैसा का इनकम नहीं उनके पास था। तो इस बार तो सरकार ने कहा था कि कोई जबरदस्ती किराया नहीं मांगेगा। हाँ, तो किराए का ही मामला था, वो किराए की वजह से मांग रहे थे कल। वो कल किराया मांग रहे थे, कि ये किराए का मामला जो ये समझौता के लिए उनसे बोले, यही बोले थे कि 6,000 रुपये की बात थी। उसके बाद फिर जो बोले ठीक है, और उसके बाद आज भोर में ये घटना कर दी। 8 बजे शाम को हमसे बात हुई थी भाई साहब की जी, और भोर में 4 बजे फोन गया कि नहीं, मकान वाले का लड़का गोली मार दिया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।